हाँ जी, कितना करिए फिर शुरुआत। तो गाइस यार, बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि रावण पे वीडियो बनाओ कि कैसा बनने वाला है इस बार जयपुर के दशहरा मैदान में रावण। तो आप लोगों के लिए आया हुआ हूँ मैं जयपुर के दशहरा मैदान के जो सामने जो बनता है ना, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मुंह बनता है, उसका धड़ बनता है, वहाँ पर भी आप लोगों को लेकर चलेंगे। तो इस बार जो रावण बनने वाला है ना, बहुत ही सुंदर बनने वाला है। और आपको एक छोटी सी झलक दे देते हैं, जैसे आप देख रहे हो इधर हाथ वगैरह, और उस तरफ भी आप देखेंगे तो मुंह रेडी हो चुका है। तो सारी चीज़ें और दिखाने वाला हूँ आपको, और लाइटें भी लग चुकी है। तो यार ए टू जेड पूरा रावण आपको देखने को मिलने वाला है मेरे चैनल पर। तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और जिन भाइयों ने बोला था कमेंट करके कि भाई रावण पे वीडियो बनाओ, तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशली लेकर आया हूँ रावण पे वीडियो। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बाकी कैसी लगी वीडियो वो आप खुद कमेंट करके बता देना। बाकी चलो फटाफट चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि रावण कैसे बनता है। तो गाइस सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मुकुट, जिसे बोलते हैं ना कि मुकुट ही बोलते हैं वैसे तो। मुकुट आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का मुकुट रेडी हो चुका है पूरा, और सबके आपको सिनेमेटिक शॉट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी जितनी भी डिटेल्स है क्या हो गया भैया यार, ये देख रहा हूँ आप मीडिया वाले हैं, आप ड्रामा वाले हैं। चलो बढ़िया, बाकी सारी चीज़ रेडी हो चुकी है और अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही सुंदर रावण। और जैसे पिछले आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से 2 साल से रावण बन नहीं रहा था, ना दशहरा सेलिब्रेट किया जा रहा था, बट इस बार बहुत ही धूमधाम से दशहरा मैदान में दशहरा मनाया जाएगा। तो यार चलो आप लोगों को दिखाता हूँ कि मुँह किस तरह का दिखने वाला है। इतनी देर से जिसकी बात कर रहे हम रावण की, और आप लोगों को रावण देखने को मिलने वाला है, मतलब पूरा रावण तो नहीं देखने को मिलने वाला अभी, क्योंकि एक साथ पूरा जॉइंट हुआ नहीं है। बाकी सिर्फ मुंह डिज़ाइन बता देता हूँ कि किस तरह का दिखने वाला है। और सबसे अच्छी बात, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम इतनी लेट आए हैं तो लाइटें भी लग चुकी हैं, मतलब बिल्कुल आखिरी टाइम पे आए हम। तो यार फटाफट से आप मेरे पीछे देखो यार, रावण कुछ इस तरह का दिखने वाला है, बहुत ही सुंदर, प्रॉपर पूरे लाइट वगैरह। और मैं बता दूं आपको कि दशहरा मैदान में जो बनाया जाता है उसमें रावण और मेघनाथ बनाया जाता है, और आपको दोनों ही देखने को मिलने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर लगने वाला है। और इसमें भी पटाखे वगैरह सारी चीज़ें फिट होएंगी, अभी कुछ फिट नहीं हुआ है। तो यार कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जो जिन्होंने बनाया है उनसे भी एक बार थोड़ा सा पूछते हैं कैसा बनाया है, कितना टाइम लगता है, सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करना बहुत, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी और वीडियो ऐसी चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दो, आप लोग भी बनाते हो। और अभी इसी के बाद हम जाने वाले दशहरा मैदान के ग्राउंड में, वहाँ पर जो पूरा धड़ रखा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो फटाफट चलते हैं। गाइस कैसे आप देख सकते हैं यार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने रावण बनाया है। तो इनसे जानेंगे कि कहाँ से आए हुए और कितना टाइम लगता है रावण बनाने में, सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। और सबसे अच्छी बात, इनका भी यूट्यूब चैनल है, कि जैसे हम तो लेट आए हैं इतनी, तो ये है कि हमने सारी चीज़ कैप्चर नहीं कर पाई, बट इनके चैनल पे आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी कि किस कैसे रावण बनता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो भैया एक बार फटाफट से बता दो आप अपने बारे में, और मुझे तो पहले ये बताओ कि आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है पहले। तो मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है गुलजार खान के नाम से मेरा यूट्यूब का चैनल है। और रजत भाई हमारे पास आए हुए हैं, हमको अच्छा लगा जैसे रजत भाई आए हैं हमारे रावण की वीडियो बनाने। और जैसे कि रजत भाई बहुत लेट हो चुके हैं यूट्यूब के और बनाने में, और अगर आप लोग शुरू से देखना चाहते हैं यूट्यूब की वीडियोस कैसी, हाँ वीडियोस कैसी बन, मतलब रावण कैसे बनता है उसके ऊपर वीडियोस में, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक, रजत भाई के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई के चैनल का, भाई के मेरा चैनल का। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, भाई के चैनल को पहले सब्सक्राइब करना। नहीं नहीं, भाई के भी करना है यार, भाई को भी सपोर्ट करो। और सबसे पहले तो बताओ भैया आप लोग कहाँ से आए और कितना टाइम लगता है रावण बनाने से। आते हैं हर साल 1.5 महीने के लिए आते हैं यहाँ पे एक रावण बनाने, पूरी फैमिली आती है हमारी, 20 लोग होते हैं हमारे मेंबर पूरे, मतलब 20-25 जने मिलके पूरा रावण बनाते हैं। 1.5 महीना लग जाता है पूरा रावण, पूरा 1.5 महीना मतलब लग ही जाता है। और किसका बनाया जाता है ये आदेश नगर का
आदर्श नगर, आदर्श नगर दशहरा विधान का रावण बनाते हैं। और मतलब जो बाकी जो और कितने फुट का रहने वाला है, मतलब टोटल हाइट 120 फीट का हाइट रहने वाली है। और रावण बहुत ही सुंदर बनाया है इस बार और बहुत ही अच्छा बनाया है। तो जैसे आपने, क्योंकि ना यार भैया का हमने 2 मिनट का समय मांगा था और समय बहुत कम है इस वजह से, क्योंकि भैया वगैरह काम कर रहे हैं, उनको ये होता है ना कि दशहरा आने वाला तो टाइम पे रेडी करना है। और यार हमारे जसनूर भाई जो भी कैमरा के पीछे, उनका भी चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बाकी वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके जरूर बता देना। भैया का हमने कीमती वक्त लिया, काम कर रहे थे, हमने थोड़ा सा समय मांगा भैया, थैंक यू सो मच आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बता देना, और रावण कैसा बना वो भी बता देना। बाकी साथ में चलते हैं दशहरा मैदान पे, भाई का भी चैनल सब्सक्राइब करना है। बाकी चलते हैं दशहरा मैदान में, वहाँ पूरा धड़ दिखाते हैं, यहाँ सिर्फ आपको मुंह देखने को मिला, तो चलो धड़ देखने चलते हैं। गाइस जैसे आप देख सकते हैं रावण कुछ इस तरह का पूरा रेडी हो चुका है। इसमें यहाँ पर एक रावण होने वाला है, एक मेघनाथ होने वाला है। ये रावण है शायद तक और ये मेघनाथ है। बाकी आपको जैसे आपने पूरी वीडियो देखी, बहुत ही शानदार वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। और आपको कैसा लगा, पूरा धड़ मैंने आपको दिखा दिया, कुछ इस तरह का पूरा धड़ रहने वाला है दोनों का। इसके बाद इस पर जब मुकुट लग रहा होगा, जब भी हम जरूर आएंगे आप लोगों को वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि वीडियो बनाओ पूरा जब रावण खड़ा करते हैं, पूरा फिक्स्ड करते हैं, तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो बताया था गुलजार भाई का भी चैनल सब्सक्राइब कर देना, और एक और बंदे हमारे साथ जसनूर पाजी, उनका भी चैनल सब्सक्राइब करना, कॉल मी जानम के नाम से। और सर थैंक यू सो मच आपका, बाकी सर ने हमारे को वीडियो बनाई थी इसलिए थैंक यू सो मच सर का बहुत बहुत। बाकी कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बता देना। बाकी टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।